विकास की ओर कदम रखने जा रही है। राजधानी रायपुर में 36 भोग, ये एक गढ़ कलेवा के स्वरूप में 36 भोग का निर्माण होगा। 36 प्रकार के व्यंजन जो लोग हैं उन्हें चखने का अवसर भी मिलेगा। ये क्या कॉन्सेप्ट है, किस प्रकार से इसकी तैयारी है, जानेंगे भी। हमारे साथ रायपुर महापौर एजाज खेबर जी मौजूद हैं, सीधे उनसे चर्चा भी करेंगे। ये किस प्रकार का कॉन्सेप्ट, पहले तो 36 भोग है क्या, इसके बारे में समझना चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ है, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा छत्तीसगढ़, अब बहुत जल्दी और जिले बन जाएंगे तो छत्तीसगढ़ 36 जिले, तो वैसे हम लोग का भी एक कॉन्सेप्ट है कि हमने पूरे पार्षदों को लेकर अधिकारियों की टीम को लेकर हमने पूरा मोहाली का हमने दौरा किया। स्केपिंग, ये पेड़ पौधे, हरियाली, इतना बेहतरीन उसमें वो था, पूरी खाने की सुविधा, पूरे खाने के अच्छे बड़े बड़े वो उसमें स्टॉल, तो हमें वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। उसके लिए हम लोग जगह तलाश कर रहे थे, तो हमें बहुत अच्छी जगह तेलीबांधा में मिली। और क्योंकि देखिए, वहाँ लैंडस्केपिंग का काम तो होना ही था पहले से ही, वहाँ पर उसके लिए पैसा सेंक्शन था कि पूरी लैंडस्केपिंग करना है और वहाँ एक तालाब है उसको सौंदर्यकरण करना है। मगर अब क्योंकि जब हम इंदौर से देख कर आए तो फिर हमने अपने कॉन्सेप्ट को चेंज किया। उसमें हमने जो 56 भोग है उसको हमने 36 भोग किया, वहाँ 56 भोग है, अपन ने यहाँ 36 भोग किया। दूसरी चीज, अपन ने वहाँ बहुत सारी चीज जो इंदौर में नहीं है वो यहाँ हम लोग करने जा रहे हैं, मतलब वो उससे भी एडवांस जो रहेगा, वो 56 भोग से भी ज्यादा एडवांस हमारा ये 36 भोग रहेगा। छत्तीसगढ़ के 36 व्यंजन, 36 प्रकार के व्यंजन, एक दुकान, एक ही दुकान रहेगी, उसकी डबल दुकान कॉपी नहीं होगी, ये ऐसा वो रहेगा। उसमें छत्तीसगढ़ी व्यंजन की भी वहाँ पर खास तौर पर छत्तीसगढ़ी व्यंजन ही प्रमोट किए जाएंगे, या फिर अन्य प्रकार के व्यंजन भी जो कि इस वक्त राजधानी रायपुर में मिल रहे हैं, तो वो व्यंजन भी इसमें शामिल होंगे। देखिए, वहाँ पर एक दुकान ऐसी रहेगी जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ी व्यंजन मिलेंगे, मतलब छत्तीसगढ़ में जैसे चीला, जितने भी मतलब वो है, वो आपको वहाँ पर एक दुकान पे मिलेगा। मगर उसको कोई दूसरी दुकान नहीं रख सकता। जैसे मैं दूसरी दुकान, जैसे मैं बोलता हूँ मैंने पिज्जा हट लाया, पिज्जे की एक दुकान आई, तो फिर तीसरी दुकान कोई पिज्जे की नहीं हो सकती। मतलब उसमें छत्तीसगढ़ के 36 भोग आपको वहाँ पर देखने को, वहाँ पर खाने में आपको परोसे जाएंगे। तो कुल मिला के ये नया टाइप के कॉन्सेप्ट है। जैसे अब 56 भोग हम गए थे तो वहाँ पर एक दुकान के बाद फिर दूसरी पिज्जा, फिर तीसरी चौथी पिज्जे की दुकान, तो ये नहीं होगा। हम यहाँ पर कुछ एडवांस तरीके से वो करेंगे और उससे भी सुंदर, क्योंकि इंदौर को जो हम देख कर आए, पर्सनली देख कर आए, तो इंदौर से भी अच्छा वहाँ पर वो रहेगा। और वो कोशिश रहेगी कि कई बार हमारे यहाँ जो नाइट लाइफ है, जो रात की लाइफ है, कि हम लोग 11 के बाद हमको खाना नहीं मिलता, क्योंकि अब वो थाने के सामने भी है, सेफ्टी भी है, कैमरे, सीसीटीवी कैमरे भी पूरे लगाए जाएंगे, थाने के सामने भी है, तो उसको एक नाइट चौपाटी के रूप में भी, उसको नाइट उसके उसमें चौपाटी के रूप में भी उसको इस्तेमाल किया जाएगा। चूंकि इंदौर का कॉन्सेप्ट है, आपने बताया भी, और तमाम 36 प्रकार के व्यंजन इसमें मिलेंगे। जिस स्थान का चयन किया गया है वो कृष्ण कुंज, जो कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने उस स्थान का लोकार्पण भी किया था, तो एक किस प्रकार का माहौल, पारिवारिक माहौल भी वहां पे हमें देखने को मिलेगा, या फिर यंगस्टर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव होगा, किस प्रकार का जगह? देखिए, जब पेड़ पौधे और कृष्ण कुंज की बात करेंगे तो वहाँ इतने पेड़ पौधे, इतने इतने पीपल के पेड़, इतने बड़े बड़े वहाँ बरगढ़ के पेड़, इतना सॉलिड, मतलब वहाँ इतना अच्छा ऑक्सीजन है, तो मुझे लगता है कि ये सभी को अच्छा लगता है, चाहे हम यंग स्टार की बात करें या फिर हम लोग जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी बात करें। भाई, जो बुजुर्ग हैं वो जाके कृष्ण कुंज में बैठे हैं, बढ़िया, वहाँ पर हम ऐसा कुछ सिस्टम करेंगे कि वहाँ पर कुछ ऐसा भजन टाइप से कोई म्यूजिक सिस्टम लग जाए, आदमी बढ़िया अपना भजन सुन रहा है, बढ़िया अपना वहाँ पर वो कर रहा है, बाजू में यंग स्टार लोग बढ़िया वहाँ पर, सबकी सुविधाओं को वहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा। एक बुजुर्ग से लेकर एक छोटे बच्चे से, मतलब 3 साल का जो ट्यून से बच्चा है और एक 100 साल का बुजुर्ग, उसका तक ध्यान को रखे, उसको वहां पर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के किया जा रहा है। अगर 100 साल का बुजुर्ग भी आए तो उसको हम बोर नहीं होने देंगे, उसको लगेगा कि मैं बढ़िया आया हूं तो 3-4 घंटा यहां बढ़िया एक्सपेंड करके जाऊंगा। वैसी बच्चों के लिए भी रहेगा, अगर बच्चे आएंगे तो उनको लगेगा मैं सुबह से लेकर शाम तक यहीं पर रहूंगा। अच्छा, स्थान का जिक्र हुआ है तो इसकी कॉस्टिंग की भी हम बात कर लेते हैं कि कितने करोड़ की लागत में इसका निर्माण हो रहा है, और इसके अलावा कितने एकड़ में ये पूरा जो कार्यक्रम है संचालित होगा? देखिए, टोटली 4 एकड़ जगह है और पहले से ही टेंडर हो
चुका था, मगर कुछ कुछ वहां से स्वीकृति नहीं मिलने के कारण टेंडर ये वो हो रहा था, इसको हमारे मंत्रालय ने इसको स्वीकृति नहीं दी थी, इसलिए टेंडर ये कैंसिल हो रहा था। मगर जैसे इसकी स्वीकृति मिली, टोटल 4 एकड़ में है, करीब 2.5 एकड़ में कृष्ण कुंज की जगह है और 1.5-1.5 एकड़ में हमारा वो तालाब भी है, हमारी लैंडस्केपिंग की भी जगह है, जो हम 36 भोग खोलने जा रहे हैं उसकी भी जगह है। तो कुल मिला के दोनों को अगर जगह मिला की बात करोगे तो टोटल 4-4.5 एकड़ जगह है। लोगों को बहुत अच्छा, लोगों को टाइम अपना एक्सपेंस कर सकेंगे बढ़िया, रात में आके एक पारिवारिक माहौल का जैसे बोलना चाहिए, एक परिवार अपना जाए, अगर वो शाम में जा रहा है तो रात में निकल जाए, सुबह जा रहा है तो शाम में निकले, इतनी व्यवस्था वहां पर की जाएगी। अच्छा, तमाम व्यवस्था होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में बन रहा है तो कई ऐसे महिला स्व सहायता समूह होते हैं जो गढ़ कलेवा इस प्रकार की तमाम जो संस्थाएं होती हैं जहाँ पे वो कार्य करती हैं, छत्तीसगढ़ में 36 भोग, तो क्या यहाँ भी माना जाए कि महिलाओं को विशेष यहाँ पे स्थान ताकि वो व्यवसाय भी करें और समृद्ध भी हो? देखिए, निश्चित तौर पर ये समूह काम, क्योंकि हम सबको, क्योंकि वो देखिए वहां की कॉस्ट भी निकालना है, 13-13.5 करोड़ रुपया उसमें लग रहा है, तो उसकी कॉस्ट भी निकालना है, तो कॉस्ट उसमें हमको कोई बड़े लोग दे पाएंगे, कैसे लोग दे पाएंगे, पिज्जा हट वाले कैसे दे पाएंगे, स्टारबक्स वाले कैसे दे पाएंगे, केएफसी वाले, ऐसे बड़े बड़े जो ब्रांड है वो वहां पर आएंगे, तो इसमें हम अपनी महिला स्व सहायता समूह की भी एक टीम को लगाएंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे 36 भोग है उसमें 2 हम फिक्स कर देंगे, एक फिक्स रहेगा हमारे छत्तीसगढ़ व्यंजन के लिए, हो सकता है वो हम गढ़ कलेवा को दे दें, एक हो सकता है हम पूरी जो सबसे अच्छी रायपुर की महिला स्व सहायता समूह है जो बहुत अच्छा व्यंजन बनाती है, जिसके हाथ में बढ़िया केक पेस्ट्री सब चीज प्रकार की चीज बनाती है, एक उसको दे देंगे, तो बाकी फिर हम 34 जो है अच्छे बड़े ब्रांड्स को देंगे, जिससे वहाँ की कॉस्ट भी निकलना चाहिए, वहाँ के जो पैसे लग रहे हैं वो भी निकलना चाहिए। अब बात पैसे निकलने की नहीं है, बात उसकी मेंटेनेंस की है, वहाँ मेंटेनेंस भी होना चाहिए। कब तक से ये जो फार्मर है 36 भोग का ये तैयार भी हो जाए? देखिए, इसकी ड्राइंग डिजाइन बन रही है, में कुछ कुछ चीजें और ऐड कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इंदौर की हम कॉपी कर लें, मतलब नकल मारना हो जाएगा, हम लोग नकल में भी अकल लगा रहे हैं, उससे भी और अच्छा खूबसूरत कैसे बन जाए, तो बार बार ड्राइंग डिजाइन में चेंज करवा रहा हूँ, बार बार मैं ड्राइंग डिजाइन देख रहा हूँ, बार बार मैं चेंज करवा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि उससे भी अच्छा बनेगा, और जब पूरी ड्राइंग डिजाइन बन जाएगी तो आप लोगों को इसका ड्राइंग डिजाइन भी बताया जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार की कोई और भी योजना है आपने देखा इंदौर दौर में? हमने जब देखा तो हमने वहाँ पर था, जैसे हम चलते हैं तो जो फुटपाथ तो हमने देखा था कि इतना बेहतरीन तरीके से वहाँ पर गमलों, इतना बड़ा बड़ा एक बड़ी खूबसूरत जगह थी, जब हम लोग जहाँ पर वहाँ गए थे तो डिवाइडर में वो काम किया गया था, बीच डिवाइडर में वो इतना खूबसूरत था, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। अभी आप देखेंगे तो करंसी टावर के पास वो काम चल रहा है, करेंसी टावर जो है जहाँ से हम एयरपोर्ट के लिए मुड़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। अगर रायपुर शहर में अगर कोई पहली उसमें घुसता है, अगर कोई बाहर से आ रहा है एयरपोर्ट से जैसे ही मुड़ता है, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट अच्छा पड़ना चाहिए कि नहीं रायपुर बहुत सुंदर है। तो हमने इसलिए उस जगह का चयन किया, उस डिवाइडर का चयन किया, आप देखेंगे अभी वहाँ बहुत तेजी से काम चल रहा है, वो भी इंदौर का देखा हुआ है, मगर इंदौर से एडवांस होके वो बन रहा है। तो तमाम नई योजनाएं जो कि अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हमें देखने को मिलेगी, और 36 भोग जिसका हम जिक्र कर रहे थे, 36 भोग के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 36 प्रकार के व्यंजन इसमें देखने को मिलेंगे, स्व सहायता समूहों को इसमें कार्य भी देने की कोशिश की जाएगी। इतना ही नहीं, जो रायपुर के चटोरे हैं यानी कि रायपुरियंस हैं, इन्हें एक नए फूड फ्लेवर का आगाज यहाँ पे जब होगा तो एक नए फूड व्यंजन, एक नया फूड पार्क जिसमें वे जाकर के स्वाद ले पाएंगे, पारिवारिक माहौल भी यहाँ पे देने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल इसे एक स्वरूप में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के तमाम व्यंजनों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बेहतर कदम कहा जा सकता है। इस समय सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज़ रायपुर। दशहरा उत्सव की तैयारी हो रही है, इसमें रामायण काल रामायण सीरियल के जो पात्र हैं वो छत्तीसगढ़ आएंगे, राजधानी आएंगे। देखिए, इस बार का जो WRS का जो कार्यक्रम है रावण पालने का, मेरे को लगता है आज तक के ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम नहीं हुआ होगा जो अभी रायपुर वासी को देखने को मिलेगा। वो इसलिए भी खास है कि इस बार रावण की हाइट भी बढ़ा दी गई है, 111 फीट है, फटाके बॉम्बे और कलकत्ता से बुलाए जा रहे हैं, पूरा